नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं आपके साथ दीपक भदौरिया। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुटबाजी से गुजर रही है बीजेपी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में बड़े स्केल पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति है, इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। संगठन चुनाव में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि इस विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। तो आज की चर्चा इसी खास मुद्दे पर, बीजेपी में बिखराव पर। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन क्या बिखराव की ओर है? क्या पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बीच की खाई बढ़ती जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रदेश में चल रहे संगठन चुनाव में गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरंभ यह है कि संगठन के बड़े चेहरों के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। पार्टी नेताओं का झगड़ा इस कदर तेज हो गया है कि एक धड़े ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से करने की भी तैयारी कर ली है। ऐसे में संगठन के भीतर यह चर्चा आम हो गई है कि सत्ता जाने के साथ ही आंतरिक गुटबाजी को रास्ता मिला और यह खुलकर जाहिर होती चली जा रही है। आज की बहस इसी अहम मुद्दे पर करेंगे, क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी बिखराव की ओर से गुजर रही है? और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के रायपुर स्थित बंगले में जमकर हंगामा बरसा। यह हंगामा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। कार्यकर्ता कांकेर जिले से आए थे। राज्य संगठन के बाद से अब तक यह पहला मौका था जब प्रदेश अध्यक्ष को खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गहरी नाराजगी से गुजरना पड़ा। दरअसल नाराजगी मंडल चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष को लेकर थी। आरोप था कि आपराधिक छवि वाली व्यक्ति को बगैर प्रक्रिया पद पर बिठा दिया था। कार्यकर्ताओं की ये नाराजगी दूर हुई ही नहीं थी कि दुर्ग जिले में भी संगठन में बगावत फूट पड़ी। यहाँ कार्यकर्ता नहीं बल्कि टकराव राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और दुर्ग सांसद विजय बघेल के बीच सामने आए। बघेल ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से संगठन चुनाव चल रही है। उन्होंने इसकी शिकायत अमित शाह से किए जाने की बात कही। उन्होंने बगैर नाम लिए अपने आरोप में कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता की शह पर 32 बंगले में बैठकर चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। कुछ स्थानों में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति, उसको सुलझा लिया जाएगा। होता है संगठन के चुनाव में कहीं छोटे मोटे विषय को लेकर भेद मतभेद होते हैं, मगर प्रदेश स्तर में बैठकर उसका निराकरण हो जाएगा। हमारे माननीय शंकर लाल देवांगन जी थे सदस्यता, सक्रिय सदस्य प्रभारी, उनके दस्तखत किए बगैर पता नहीं ये लोग सूची जारी किए कि नहीं किए, कहीं पे बैठ के नहीं हुई किसी मंडल में, और 32 बंगले में बैठकर ये लोग पूरी लिस्ट बना ली और लिस्ट जारी कर दी। सांसद के अलावा विधायक विद्यारतन भसीन भी सरोज पांडे के खिलाफ मुखर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 50 सालों से पार्टी में काम कर रहा हूं, कभी भी इस तरह का चुनाव अपने कार्यकाल में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये चुनाव फर्जी है। इस तरह की प्रक्रिया राष्ट्रीय नेता के दबाव में की जा रही है या फिर दूषित मानसिकता के चलते, ये मुझे नहीं पता। जिस तरह से दुर्ग लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, कार्यकर्ताओं में उत्साह था। ऐसे में सांसद विधायक और पूर्व मंत्रियों को दरकिनार कर चुनाव प्रक्रिया करवाना जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की उम्मीद में पानी फिरने जैसा है। विद्यारतन भसीन ने कहा कि चुनाव रद्द होने चाहिए व संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पदाधिकारियों का चुनाव होना चाहिए जिससे भविष्य में पार्टी को मजबूती मिल सके व जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में उत्साह कायम रहे। भसीन से जब उस राष्ट्रीय नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह संगठन पहले भी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री के कहने से चलता था, अभी भी चलता है। गुटबाजी बढ़ रही है, खेमेबाजी चल रही है, प्रमाण है ना। यहाँ के सांसद से पूछा जा रहा है, ना यहाँ के पूर्व मंत्री से पूछा जा रहा है, ना वर्तमान विधायक से पूछा जा रहा है, किसी का कोई पूछने। मंडल संगठन के पुराने लोग हैं, जिले में पुराने हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, किसी का कहीं सहभागिता नहीं चुनाव। तस्वीर देखकर तो वाकई नहीं लगता है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। भूपेश सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनने की बजाय संगठन के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। बहरहाल संगठन के भीतर यह भी चर्चा आम है, यह महज टकराव की शुरुआत है। सत्ता में रहते हुए बीजेपी के भीतर नेताओं के बीच के टकराव की महज चर्चा ही थी।
लेकिन अब यह टकराव अलग अलग रास्तों से बाहर आ रहा है। वक्त रहते यदि बीजेपी इसे संभाल नहीं सकी तो यकीन है सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए यह बेहद सुकून देने वाला पल साबित होगा। और आपको बता दें कि अब ये बीजेपी की फूट खुलकर सामने आ गई है और जितने भी बड़े चेहरे हैं अब सीधे सीधे वो भी मैदान में उतर रहे हैं। लगातार विधायक और सांसद एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से बिहार का मुंह देखने के बाद बीजेपी को जहां उभर कर सामने आना चाहिए और विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वहां बीजेपी खुद की कलह से भी जूझ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बिखराव की ओर बढ़ रही है ये पार्टी। जिस तरीके से अभी जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि और इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के, और रविकांत कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और मनोज सिंह जी बघेल जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपादक स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी छत्तीसगढ़। अब तीन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए, मनोज जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने जिस तरीके से हर एक खबर पर आप नजर रखते हैं, जमीनी स्तर से आप हर एक चीज को परखते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए लगातार पार्टी की हार और उसके बाद हार के बाद अब जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव के वक्त इस तरह की अंदर टकराव की स्थिति बन रही है, पार्टी अंदर से बिखर की ओर जो बढ़ रही है, तो कहां तक ये सही है जब निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है बीजेपी के अंदर? क्योंकि अब जब से कांग्रेस पार्टी में आई है कोई भी बड़ा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ, सिर्फ बचाव आरोप इस तरीके के ही काम चलते रहे हैं बस। देखिए, जब से जो पिछला चुनाव हुआ है 2018 का चुनाव हुआ है और उसके बाद से जिस तरह से 15 साल से जो अनुशासन बाहरी तौर पर दिखता था उस अनुशासन में कहीं न कहीं कमी आई है और खासतौर पर संगठन चुनाव का समय जो तय किया गया है वो ठीक नगरीय निकाय चुनाव के पहले, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपने बयान में कहा है कि जब भी संगठन चुनाव होते हैं तो इस तरह की बातें आती है, इस तरह की छोटी मोटी बातें पहले भी आती रही है, लेकिन जिस तरह से खुलकर विद्रोह जैसी स्थिति सामने दिखती, कुछ दिन पहले जैसा कि हमने देखा था कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी उनके निवास का घेराव करने के लिए कांकेर से कार्यकर्ताओं की फौज आई थी, इसी तरह से पिछले एक हफ्ते से दुर्ग में लगातार ये खबरें आ रही है कि वहां पर सांसद और जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है वो उनके समर्थक आमने सामने है, सांसद ने खुलकर बयान दिया, वहां के विधायक ने खुलकर बयान दिया, पूर्व मंत्री भी जो है संगठन चुनाव को लेकर प्रेम प्रकाश पांडे जी जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो खुलकर बिखराव की स्थिति जो दिखाई दे रही है ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं दिखाई देती थी और निश्चित तौर पर ये जो गतिविधियां चल रही है उसका खामियाजा कहीं न कहीं जो आगामी नगरीय निकाय चुनाव है उस पे पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, श्रीचंद सुंदरानी जी क्या कहेंगे इस पर? क्या अभी भी आप यही कहेंगे कि चूंकि बड़े स्तर पर चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए छोटी मोटी गतिविधियां होती रहती हैं, छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं, लोग खुलकर थोड़ा सामने आते रहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे एकमात्र दल ऐसा है जो बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल और जिला और जिले के बाद प्रदेश के चुनाव करवाता है और बड़े पैमाने पे चुनाव हो रहे हैं, कोई छोटा चुनाव नहीं है। महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ताओं की होती है लेकिन जब भी चुनाव होते हैं इस प्रकार की थोड़ी बहुत विवाद की खबरें मीडिया में आती है, वास्तविकता इससे परे है एकदम। जहां तक संगठन के चुनाव है बहुत अच्छे से हो रहे हैं, 90-95% चुनाव सर्वसम्मति से और आम राय से किए गए, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप किए गए और कहीं थोड़ी जगह मान लो 2-5% ऐसे स्थान हैं जहां पे असहमति वाली स्थिति दिखती है, वो सुलझा लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पे ही काम करती है और संगठन के महत्व को समझती है तो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी उपेक्षित नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का कदम रहता है और मैं तो कह रहा हूं कि गुटबाजी की बात नहीं है, कहीं कहीं पे दावेदार अधिक होने की वजह से ये परिस्थितियां सामने आई है। जहां तक चुनाव की बात है या दल की बात है, बड़ी संख्या में आज हमारे पास 5 लाख के करीब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नए बने,
करीब करीब 12 लाख मेंबर पहले थे, 17-18 लाख 20 लाख सदस्यों वाली पार्टी है ये, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं 2-4% ऐसे बूथ हैं, ऐसे मंडल हैं जहां पे थोड़ी बहुत गुटबाजी उभर कर आई है, लेकिन वो कोई गुटबाजी का रूप न देकर मत भिन्नता कहीं पे या दावेदारी अधिक होने की वजह से ये परिस्थितियां हैं, लेकिन वह भी आने वाले 2-4 दिन में आपको सुलझा हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से रविकांत जी, जैसे कि सुंदरानी जी ने बड़ी ही सफल, बड़ी आसानी से बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़े बहुत महत्वाकांक्षी वाले लोग हैं तो मामला जल्दी सुलझा लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कार्यकर्ताओं में नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे विधायक, सांसद और महासचिव के बीच चल रही है जंग, और सीधी सी बात एक तरीके से ये देखा जाए, उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की जो सूची है, चाहे वो अध्यक्ष को लेकर हो, मंडल अध्यक्ष को लेकर, कि वो 32 नंबर के बंगले में बैठकर बनाई जा रही सूची और वहीं से नाम फाइनल हो रहे हैं, तो इस तरीके के जो कार्यकर्ता पानी पिलाते हैं, जो इतना प्रदर्शन में आगे पहुंचते हैं, हर तरीके की पार्टी के लिए जान झोंकते हैं, उन्हें ही दरकिनार करके पार्टी कहां तक सफल हो सकती है? देखिए, सुंदरानी जी जितने बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, काश भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में चलाने वाले लोग उतने ईमानदार, निष्पक्ष और पारदर्शी होते तो फिर भाजपा में ये कहानी नहीं आती। जिस बात को सुंदरानी जी भाजपा बचाओ अभियान में बोलेंगे, हम पूरी तरह अपेक्षा रखते थे और वो उन्होंने किया, ये उनका राजनीतिक धर्म है, पार्टी के लाइन के विपरीत पार्टी प्रवक्ता नहीं जा सकते। परंतु सुंदरानी जी ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसी पार्टी में 80 में जब पैदा हुई तो 80 से लेकर 90 और 93 तक इसी पार्टी में कितना बढ़िया चुनाव होता था, और उसके बाद इसी पार्टी में अच्छे चुनाव के नाम पर पिछले 2 दशकों से जब राज्य गठन के बाद मनोनयन की प्रक्रिया अपना करके कौन सी राजनीतिक संदेश दे रहे हैं, और उसी का यह विरोध है। और फिर अब जो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पार्टी में अब अंदर की आवाज है कि छोटा सा मुंह हिला लेने पर प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को परिवर्तन कर देते हैं। 14-14 सीट पे आए हैं बेमिसाल स्वर्णिम 15 साल का शासन चलाने के बाद 15 से 14 सीट पे आ गए, जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही है? ये पार्टी जनों की अंतरात्मा की आवाज है, और उस आवाज को दबा करके अभी भी जिस प्रकार से मैं और मेरा के आधार पर, मतलब वो कांग्रेसी संस्कृति में संगठन को खड़ा करने की जो तैयारी है, ये उसी कारण से विक्रम उसेंडी के घर में विरोध हो रहा है, कांकर के लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से रमन सिंह के घर में भी विरोध हो रहा है, और क्षेत्र में अब चुनौती दी जा रही है, और वो सीधे मांग कर रहे हैं कि पहले तो आप ऊपर में शुद्धिकरण करिए प्रदेश स्तर पर, और जितने लोगों ने इस पार्टी को, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदरलाल पटवा, कोसाभाऊ ठाकरे, इन लोगों ने जो मेहनत करके इस प्रदेश में इस पार्टी को जिस मकसद से खड़ा किया था, उसके विपरीत 15 साल आपने कैसे चलाया, उसका हिसाब किताब मांग रहे। उसका जब तक हिसाब किताब नहीं होगा तब तक ये यहाँ अभी शुद्धिकरण नहीं होगी। ये सुचिता, सुशासन, अनुशासन वाली पार्टी में इसीलिए अब ये सवाल उठा है कि पहले जवाबदेही तय हो, उसके बाद फिर चुनाव हो, और चुनाव हो तो अच्छे से हो, वो मैं और मेरा टाइप का ना हो। वो तीन लोगों ने जो 90 टिकट बांटी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, जो इनके अंदर जो कह रहे हैं, उनकी जवाबदेही क्या हुई हार के बाद वो पूछ रहे हैं। अगर वो जब तक तय नहीं होगा और फिर पुराने ढर्रे पे चुनाव अगर होगा तो इसका विरोध तो इनके पार्टी के अंदर होगा, और हो ही रहा, वही विरोध हो रहा। कहीं पर अच्छी खबर नहीं आ रही है। बिलासपुर में भी मंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व कार्यकर्ता, पूर्व सांसद के बीच में है, रायगढ़ में है, सरगुजा में है। सरगुजा में तो दूसरी कहानी है। सरगुजा में जितने आदिवासी नेता हैं सबके अपने अपने उतने गुट हैं, तो आप समझ लीजिए कभी कांग्रेस में 12 से 18 गुट हुआ करते थे, उसी प्रकार अब भाजपा में गुट ही गुट हैं, गिनती करना पड़ेगा आप जो है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि माननीय सुंदरानी जी जितना बढ़िया नेता है पार्टी में, उतना बढ़िया उनके संगठन चलाने वाले हो जाए तो आज इस पार्टी में सोने में सुहागा हो गया, 24 कैरेट का रहेगा खरा सोना, और फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगी। परंतु अब वो जन मुद्दों को भी आप इसीलिए नहीं कर पा रही है, अपनों से लड़ रही है इसीलिए जन मुद्दों भी दरकिनार है, नहीं तो इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं अभी जो है जनता के लिए, उस मुद्दे को लेकर के
कहाँ है ये इन्हीं से पूछ लिया जाए। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी आई, विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल नजर ही नहीं आया बीजेपी, अगर देखा जाए। खुद के आरोप जो लग रहे हैं उनसे खुद को बचाने के चक्कर में जद्दोजहद जरूर बीजेपी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से कभी भी अब विपक्ष की भूमिका जिससे अपेक्षा की जा रही थी, हालांकि विपक्ष कमजोर है लेकिन इतना कमजोर होते जा रहा है अब जिस तरीके से निकाय चुनाव में, मुझे लग नहीं रहा कि अगर इस तरीके की गुटबाजी अगर रही और इस तरीके से ही सांसद विधायक खुलकर विरोध करते रहे, और कार्यकर्ता जिनकी उपेक्षा तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, अमित शाह तो हमेशा कहते रहे कार्यकर्ता हमारा सबसे प्रमुख सबसे आगे, और उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की अगर अनदेखी की जाएगी तो किस तरीके से काम चलेगा नगर निकाय चुनाव में? बिल्कुल सही दीपक, देखिए जिस तरह से रविकांत कौशिक जी ने उसी बात को कहा कि चुनाव के बाद जिस तरह की समीक्षा होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जिस तरह से टिकट वितरण तीन लोगों ने किया और उसके बाद जिस तरह जितनी बुरी हार हुई थी और जो लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी जो है वो 15 सीट में सिमट कर आ गई थी, उस समय आम कार्यकर्ता जितने जगह पे बैठकें हुई पार्टी के अंदरूनी बैठक समीक्षा बैठक, उसमें कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि उनकी बातें कभी नहीं सुनी जाती थी और हमेशा जो है ये कहा जाता था कि सरकार केवल अफसरों के दम पर चल रही है और कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं सुनी जाती है। ये तमाम बातें आई और बार बार यही कहा जाता रहा कि समीक्षा का दौर चल रहा है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि पार्टी किन वजहों से चुनाव हारी है और उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, लेकिन चुनाव हुए 1 साल पूरी तरह से बीत चुके हैं, अभी तक वो निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जिम्मेदारी तय नहीं हुई है और यही वजह है कि अभी भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के बड़े नेता हैं वो इन्हीं सब में उलझे हुए हैं, अभी तक वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किन वजहों से चुनाव हुई और इनको कैसे, इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा आने वाले चुनाव में। तो यही वजह है कि अभी तक जो सरकार के खिलाफ, एक तो संख्या बल बहुत कमजोर है, विपक्ष जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत कमजोर है, पहले 15 विधायक थे अब उपचुनाव के बाद 14 ही रह गए हैं और ऐसी स्थिति में जो है निश्चित तौर पर कमजोर है, फिर भी कई मुद्दे हैं जिनको जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक लड़ा जाना चाहिए वो अभी तक लड़ा नहीं गया है और यही कारण है कि अभी तक ठीक से विपक्ष की भूमिका में भाजपा अभी तक 1 साल गुजर जाने के बाद भी दिखाई नहीं दे पा रही है। जी रवि, मैं इसमें एक, मनोज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं परंतु मैं मनोज जी एक अच्छी बात कह रहे हैं परंतु मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ। उसमें एक चीज कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को हम कमजोर विपक्ष नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पैदा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष गिरी करने का जितना बढ़िया एक्सपर्टाइजेशन है उतना बढ़िया इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी के बाद इन्हीं के पास एक्सपर्टाइजेशन है, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का और मुद्दों को जन तक पहुंचाने का। परंतु इस बार मैंने पहले ही कहा ना कि जिस मकसद से बनी थी भाजपा उस मकसद से विपरीत जाकर के जो सत्ता और संगठन पिछले 15 सालों में चला और उसके बाद अब जो जवाबदेही तय नहीं हुई, इसलिए कौन किसको टारगेट करेगा, कौन किसको हीरो बनाएगा और क्यों किसके नेतृत्व में लड़ें और क्यों किसी को आगे बढ़ाएं, उसी प्रतिस्पर्धा के कारण ये अभी जो है जन आवाज नहीं बन पा रहे हैं और जनता के मुद्दे पर उसी झगड़े के कारण नहीं जा पा रहे हैं। नहीं तो इनके पास विरोध करने के लिए तो बहुत एक्सपर्टाइजेशन है, बहुत कई उदाहरण है, हम लोगों ने देखा है कि पत्थर को दूध पिला करके भी गणेश भगवान पूरे देश में दूध पिला देने का एक्सपर्टाइजेशन, इतना बढ़िया उदाहरण इनके पास नहीं है। मुद्दे फेंक करके मुद्दे पर तमाशा देखने का बहुत अच्छा उदाहरण इनके पास है और मुद्दों को गायब कर देने और मुद्दों से मुकर जाने का भी एक्सपर्टाइजेशन है और मुद्दों पर कांग्रेस को पीछे ढकेलने का भी एक्सपर्टाइजेशन है। परंतु अभी वो एक्सपर्टाइजेशन इनका क्यों उपयोग नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप जो है उस कारण भले कमजोर कह सकते हो परंतु ये विपक्ष से जन्म हुई पार्टी है इसलिए इसको कमजोर करके थोड़ा सा इनके सम्मान को ना चोट पहुंचाए, मैं यही कहूंगा बस। सुंदरान जी, अब जिस तरीके से रविकांत जी ने जो तारीफ की उसको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो तारीफ की है ये सही है। हालांकि बघेल जी ने कहा कि संख्या बल की उन्होंने बात की थी कि कमजोर है संख्या बल में, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कि पार्टी के अंदर कुछ चुनिंदा नेता होते हैं और कुछ हैं भी जो कि अभी भी जिस तरीके से कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, तो वो खुद में अमित शाह बनने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, मैं तो रविकांत जी कौशिक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी जिस
जिन परिस्थितियों में जैसे संघर्ष करके इस स्थान तक पहुंची है। और निश्चित रूप से हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, हम विधानसभा में संख्या बल में जरूर पीछे हैं, लेकिन हम सड़क पे आज भी कांग्रेस से बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारा संगठन का माफी चाहूंगा सुधानी जी, अभी तक आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए मैं आपको ये श्रेय तो नहीं जाएगा। अभी अभी तक आपने व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर के आप लोग जरूर प्रदर्शन कर डाले, परंतु छत्तीसगढ़ में जनता के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, अभी किसान पानी बरसात के कारण कितना परेशान है, उस मुद्दे पर आप एक कदम, एक नेता आपका आगे नहीं आया, इसलिए आपको पीछे ही कहा जाएगा, माफ करिएगा। देखिए कौशिक जी और दीपक नहीं जी, अभी आप जनता के मुद्दे पर तो एक नहीं उठा पाए। नई सरकार बनी और एक साल का तो हनीमून भी होता है। अच्छा। और हम समय देना चाहते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन सरकार की स्थिति बदतर से बदतर स्थिति होने जा रही है। जिस प्रकार से आज प्रदेश अध्यक्ष जी आर्थिक नाकेबंदी की बात करते हैं, इनकी सोच पे मुझे तरस आता है कि प्रदेश में आर्थिक मंदी करके आर्थिक बंदी करके क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश में, क्या खुद के प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी करके क्या खुद के आर्थिक स्रोतों को दबाने का प्रयास करेंगे, क्या अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहेंगे, ये भपकी देकर ये अपने किए हुए वादे से जनता को, किसानों तो, को भुलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करने आता है और वो समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी सड़क पे उतरेगी। ये हमारे संगठन के चुनाव हो जाए, आप देखिएगा कि किस रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने तेवर दिखाती है। ऐसा तो नहीं, एक साल वाला चलने वाला हनीमून है सुंदरानी जी, 5 साल तक ना यहाँ से नहीं, मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से नहीं चलेगा साहब। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लड़ रही है और आपको सड़क पे भी भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। अपने स्वभाव को हम थोड़ी बदल सकते हैं, हम 15 साल सत्ता में रहे लेकिन हम अधिकांश समय विपक्ष में रहे, हम विपक्ष की आवाज को जानते हैं, विपक्ष के काम करने का तौर तरीका भी हमें मालूम है। हमारा एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए तैयार है। हम कितने भी दमन कर ले भूपेश सरकार, लेकिन उस दमन के आगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूटेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है। जहां तक संगठन चुनाव की बात है दीपक जी, संगठन चुनाव आप खुद कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में थोड़े बहुत जो विवाद आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपनी कमांड स्थापित की और कोई अब विवाद की स्थिति, बिल्कुल उम्मीद भी ऐसी है सुंदरानी जी की विपक्ष की भूमिका जो है, उम्मीद करते हैं कि वो विपक्ष की भूमिका में उभर कर भी आ पाए। जिस तरीके से बघेल जी देखा जाए, अपने पूरा एक एक तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव के बाद हार, हालांकि सुंदरराज जी कह रहे हैं कि अभी हम लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़ा हनीमून समय चल रहा है एक साल का जो भी है, उसके बाद हम खड़े होंगे, लेकिन संगठन के चुनाव जो हो रहे हैं वो कितने अहमियत रखते हैं, जब निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की बेहद जरूरत है। देखिए संगठन चुनाव निश्चित तौर पर, क्योंकि जो है काडर बेस्ड पार्टी है भाजपा और यहाँ पर जो बीजेपी का कैडर है उसमें संगठन चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जैसा कि पूर्व में रविकांत कौशिक जी ने बताया कि जब से ये पार्टी स्थापित हुई है तब से लेकर किस तरह से अनुशासित ढंग से उस समय जो है संगठन में जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से उसमें विसंगतियां आई है और कहीं न कहीं उसमें जो स्वार्थ है या जो जो बुराइयां, राजनीतिक बुराइयां होती, वो तमाम चीजें बीजेपी के भी संगठन चुनाव में दिखने लगी है। यही वजह है कि असंतोष इस लेवल का हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष का के घर पे आके धरना देना पड़ता है, किसी महासचिव के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत करने की नौबत आती है। तो निश्चित तौर पर ये जो बातें हैं वो भाजपा के लिए जरूर चिंता का विषय होना चाहिए। और जिस तरह से अगले महीने नगरीय निकाय के चुनाव हैं और उस चुनाव में एक बार फिर से वापसी का मौका है भाजपा के लिए, और उसके ठीक पहले इस लेवल पर जो दिक्कतें आ रही है वो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें पार्टी को मंथन भी करना चाहिए और जल्दी से जल्द जितना हो सके इस अपने अंदरूनी कलह को दूर करना चाहिए। लड़खड़ाती बीजेपी को फिर से जल्द से खड़े होने की बेहद जरूरत है और उम्मीद भी की जा रही है।